ये जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अलोंग हो जरूरी नहीं है, ये मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में थीटा 90 है तो ये जो फर्स्ट के जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, सेकंड के केस में जीरो ना हो। तो केस नंबर टू, थीटा जो कांस्टेंट है एंड ई इज आल्सो, अगर थीटा कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है तो क्या होगा, ई और कॉस थीटा इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे तो डीए का इंटीग्रल बचेगा और डीए का इंटीग्रल तो ए होता है, तो जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर थीटा कांस्टेंट है। जो थीटा कांस्टेंट है कई बार जीरो होता है या 180 डिग्री होता है, जब जीरो है तो जस्ट ई इंटू ए हो गया और थीटा 180 है तो माइनस ई इंटू ए हो गया, राइट। तो इस केसेस आप याद रखिएगा क्योंकि हम लोग अभी ये करने वाले हैं कि हम लोग इस फ्लक्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कई सारे केसेस का। तो हमको पता ही है कि क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं या कितना फ्लक्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड, राइट। तो मैं इसको फ्लक्स को लिख सकता हूं इज सम कांस्टेंट, लेट अस से सी इज द कांस्टेंट, सी इनटू क्यू इनक्लोज्ड, राइट। अब मुझे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट चाहिए, राइट। अब कांस्टेंट वैल्यू जानने के लिए आप एक केस कंसीडर कर लीजिए, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, चारों तरफ आपने मान लीजिए एक सरफेस बिछा दी इस तरह से, और इस सरफेस के अलावा देखेगा कि एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और वो हर जगह जीरो ही है, ठीक है। तो हर थीटा कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट कितना है, जीरो है, राइट। और अगर कांस्टेंट है थीटा तो कॉस थीटा विल बी वन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट अलोंग दिस एंटायर लाइन एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इफ डिस्टेंस इज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। सो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्लक्स तब क्या होगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा ये, राइट। तो ये बस ई इंटू ए हो जाएगा और कितना है, के क्यू आर स्क्वायर, एरिया है 4R², ठीक है। अब के को अगर मैं एक्सपेंड कर दू, लिख दू 1/4π0, इस तरह से अगर लिख दू 4π और 4π कट जाता है, R² कट जाता है, ये आ जाएगा आपके पास 1/0 टाइम्स क्यू, ओके। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली है 1/0, हालांकि आपने स्पेशल केस लिया है बट कांस्टेंट की वैल्यू शुड नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ केस यू आर टेकिंग, फाइन। तो वो 1/0 ही रहेगी। सो बेसिकली अब हमने ये जान लिया है कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस फॉर ई डॉट डी ए, सो दिस विल बी टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस तरह से लॉ को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, फाइन। तो आप ये चीज याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ऑलराइट। और इस लॉ को यूज करते हुए हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग केसेस का, ओके। चले अब हम गॉस लॉ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। अब गॉस लॉ यूज करने के लिए हमने जस्ट डिस्कस किया था फ्लक्स निकालना पड़ता है, और फ्लक्स क्या है, इंटीग्रल है 3 वेरिएबल्स का, तो हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे 3 वेरिएबल्स से और उसको क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वेट कर देंगे और वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल कब सकते हैं, जब आप इंटीग्रल निकालेंगे, और इंटीग्रल कब निकाल सकते हैं, जब आपके वो जो दो स्पेशल केस डिस्कस किए थे वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है।
और लेफ्ट हैंड साइड में आपके बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही वेरिएबल आना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए जो भी आप सरफेस लेंगे, राइट। तो गॉस लॉ लगाने से पहले, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई गॉसियन सरफेस कैसी चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, गॉसियन सरफेस, सो इट इज एन इमेजिनरी इनक्लोजर, इट नीड नॉट बी रियल, ओके। सो इट्स एन इमेजिनरी इनक्लोजर इट शुड नॉट कट डिस्क्रीट चार्जेस। सो इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज लाइंग समवेयर, इट that should not cut across by the Gaussian surface, all right? It may cut the It can cut the continuous charge distribution, fine। अब ये तो तीन चीजें हैं, ये तो must हैं, fine। इन तीन चीजों के बिना आप गॉसियन सरफेस इमेजिन ही नहीं कर सकते, ये तीन तो होनी होनी है। और अगर बाकी चीजें मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सेटिस्फाई हो जाएं, तो आप जो है बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ओके। सो दीज थ्री आर मस्ट टू हैव एंड गुड टू हैव इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट एंड थीटा इज कॉन्स्टेंट ओवर सरफेस, फाइन। और थीटा इज 90 डिग्री, फाइन। तो अगर ये चीज होगी, ये दोनों चीज में से कुछ होगा, तो आप इजिली इंटीग्रल निकाल लेंगे और हो सकता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लें, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई थ्योरी की बात, प्रैक्टिकली चलो करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आती कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम गॉस लॉ लगाएंगे सिमेट्रिकल केसेस में, ठीक है। और तीन तरह की सिमेट्री होती है, तीन तरह की सिमेट्री कौन कौन सी है, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री एंड प्लेनार सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री नंबर वन स्फेरिकल सिमेट्री, राइट। समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसे सॉलिड स्फीयर है, ये रहा सॉलिड स्फीयर, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, फाइन। और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। ये वाला केस हमने इंटीग्रेट वगैरह करके ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, लेकिन अब गॉस लॉ लगा के हम लोग इसको ट्राई करेंगे निकालने का। हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे, तो गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू डिस्टेंस आर, नहीं तो हम लोग जब गॉस लॉ लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पे ही निकालते हैं ना। तो अगर सरफेस इस पॉइंट से नहीं पास होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सरफेस का इस पॉइंट से पास होना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसे सिमेट्रिकली इस सरफेस को ऐसे बना लेता हूं, फाइन। और यहां पे गॉस लॉ इस तरह से लिख लेता हूं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइन। अब ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये मेरी गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस में मुझे एक चीज तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ओके। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगा,
ई डी ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो एंगल तो थ्रू आउट है और ई भी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट है, तो ई और कॉस ऑफ जीरो बाहर आ गया, कॉस ऑफ जीरो वन है, इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए, ये हो जाएगा सिंपली ई इंटू डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, ओके। और क्यू इनक्लोज कितना है भाई, क्यू इनक्लोज आपका जो आएगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू इस चीज का वॉल्यूम है, क्योंकि इसी वॉल्यूम के अंदर तो चार्ज इनक्लोज्ड है, राइट। तो क्यू इनक्लोज जाएगा रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ओके। तो अगर मैं यहां से वन और टू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो आएगा इक्वेशन वो इस तरह से होगा, e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू फोर पाई आर क्यूब बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो e आ गया मेरे पास रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस तरह से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, डायरेक्शन तो मुझे पहले से ही पता होना चाहिए, डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड है, फाइन, फॉर अ पॉजिटिव रो, फॉर नेगेटिव रो आप जब ये माइनस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, फाइन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल सिमेट्री के केस में आप निकाल सकते हैं, ओके। आपको याद होगा एक सवाल हमने किया था जिसमें हमने एटॉमिक मॉडल लिया था, सेंटर पे z टाइम्स e चार्ज लिया था और इलेक्ट्रॉन को मान लिया था कि एक डेंसिटी में ऐसे स्प्रेड है रेडियस r पे, फाइन। और हमको सॉरी रेडियस कैपिटल r ले लेते हैं इसको, और हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r जो कि लेस देन कैपिटल r है, फाइन। तो चलिए अब इसको गॉस लॉ से ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, फाइन। तो इसके अलोंग जब मैं इंटीग्रल निकालने की कोशिश करूंगा जो कि मेरा फ्लक्स है, तो ये आएगा e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये तो सिंपली आ गया, राइट। और अगर मुझे q इनक्लोज्ड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है वो तो एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वैल्यू हो गई z टाइम्स e, और फिर थोड़े से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो भी इनक्लोज है, उसकी कितनी डेंसिटी हो गई, सॉरी उसका कितना चार्ज हो गया, माइनस z e r बाई r होल क्यूब। ये कैसे आता है, पूरा एटम जो न्यूट्रल है तो z e जो है पूरे वॉल्यूम है 4 बाई r क्यूब, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी z e डिवाइड बाई 4 बाई 3 पाई कैपिटल r क्यूब इंटू फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगी, इसके अंदर कितना चार्ज है वो तो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो फ्लक्स है वो q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, राइट। तो e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई वन माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहां से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है z e by 4 pi epsilon naught 1 by r square minus r by r cube, fine। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर केस का भी निकाल सकते हैं गॉस लॉ लगा के, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे एक अलग तरह की सिमेट्री का जो है सिलिंड्रिकल सिमेट्री, लिख लीजिए सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप एक सिलेंडर रख दें तो सिलेंडर के लैटरल सरफेस एरिया पे सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री है ये पाई जाती है एक इनफाइनाइट वायर में, ये मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर है विद लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइन, और आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे। तो आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लीजिए, इस तरह का है ये जो सिलेंडर है, इस तरह से है, ओके। इस सिलेंडर का आप मान लीजिए हाइट h है, तो
तो जो मेरा इनक्लोजर बन रहा है यहां पे वो एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के दो सरफेस हैं क्लियरली, सरफेस वन, लैटरल सरफेस विच इज सरफेस टू, एंड अनदर सरफेस, सरफेस थ्री। ओके, तो जो फ्लक्स है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, सरफेस वन पे ई डॉट डी ए प्लस सरफेस टू पे ई डॉट डी ए प्लस सरफेस थ्री पे ई डॉट डी ए, फाइन। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है सरफेस वन के लिए ऐसा, सरफेस टू के लिए ऐसा, और सरफेस थ्री के लिए ऐसा, और सरफेस टू जो है वो लैटरल सरफेस है तो वो ऐसे सर्कुलर होगी रेडियली आउटवर्ड, फाइन। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से एरिया वेक्टर होगी, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? ये एक इनफाइनाइट वायर है और इनफाइनाइट वायर का हम ये देख चुके हैं कि ई वाई जीरो होता है और सिर्फ ई एक्स होता है, ई एक्स मतलब अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगी इसी डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी इस तरह से। अब आप मुझे ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है? यहां पे 90 है, यहां पे भी 90 है और यहां पे 0 है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्त तो क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो नेट नेट मेरे पास आ गया ये पूरा का पूरा इंटीग्रल है, दैट इज जस्ट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सरफेस टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज 1। ओके, अब आप देखेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया में जितने भी पॉइंट है सब इक्विडिस्टेंट है वायर से, राइट। समझ लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, फाइन। तो ये एक सिमेट्री की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लैटरल सरफेस कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो जो इंटीग्रल है ना दोस्त, ये हो जाएगा ई दिस, और इसको जब फर्दर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डी ए इज व्हाट? टोटल एरिया विच इज लैटरल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर इंटू हाइट एच, ऑल राइट। एंड दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ये कितना है? लैम्डा इंटू एच इज क्यू इनक्लोज्ड, लैम्डा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर एच, राइट। सो दिस विल गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड एज लैम्डा डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंटीग्रेट करके बड़ी मुश्किल से निकाला था लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बड़ी आसानी से गॉस लॉ लगा के आ जाता है। लेकिन गॉस लॉ लगा के सिर्फ एक इनफाइनाइट वायर का ही आप निकाल सकते हैं क्योंकि वही आपको एक सिमेट्रिकल केस देता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिलिंड्रिकल सिमेट्री की, चलिए अब एक आखिरी सिमेट्री की बात करते हैं, वो है प्लेनार सिमेट्री। ऑलराइट, लिख लीजिए अब प्लेनार सिमेट्री आती है कि इनफाइनाइट शीट से, समझ लीजिए ये आपकी इनफाइनाइट शीट है। तो जब आप बहुत पास जाएंगे इनफाइनाइट शीट के तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर आ रही है, ओके, यहां से भी जा रही है इस तरह से। ये आपको 2D सरफेस पे ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट वायर के जैसे है, बट ऐसा नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं और यहां से इस तरफ जा रही हैं, ये इस तरह से सर्कुलर नहीं है जैसे वायर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए, और ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, सारी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है और ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस घटेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, सॉरी लाइंस पर यूनिट एरिया विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, तो दैट इज यूनिफॉर्म। ओके,
तो चलिए अब इस केस में मान लीजिए ये आपका गॉजियन सरफेस है, ये सरफेस एरिया इसका ए है समझ लीजिए, ये अगेन इसको आप समझ लीजिए ये एच है, ओके। तो ये जो है कुछ इतना एरिया सरफेस से कट कर रहा है, ओके। अब मुझे इंटीग्रल ई डॉट डी ए निकालना है, ये फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी ए प्लस ओवर सेकेंड सरफेस ई डॉट डी ए थर्ड सरफेस ई डॉट डी ए, ओके। अब आप पाइएगा कि ये जो यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो सेकंड सरफेस है उसके अक्रॉस ये जो इंटीग्रेशन है ये जीरो हो जाता है, ओके। और ये जो फ्लैट सरफेस है इसके अक्रॉस क्या होगा, यहां अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां भी ई होगा, और एरिया वेक्टर यहां पे ऐसा है यहां पे ऐसा होगा, तो दोनों साइड में एंगल जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनीवे यूनिफॉर्म है, राइट। तो इसका जो वैल्यू है वो ई इंटू ए आएगा और इसका भी ई इंटू ए आएगा, तो टोटल हो गया 2E into A, ये हो गया आपका फ्लक्स, फाइन। अब ये जो फ्लक्स है दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर हो जाएगा। तो ई जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा सिग्मा बाई 2 epsilon naught, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एक इनफाइनाइट शीट के द्वारा जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ओके। तो इस तरह से तीनों सिमेट्री टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं अगर आप गॉस लॉ लगाएं तरीके से, ओके। अब चलिए अब हमने गॉस लॉ तो पढ़ी लिया है तो उसके ऊपर एक आध सवाल लगा लेते हैं। और आप ये चीज ध्यान रखिए कि हम लोग ये सब हम कॉन्सेप्ट वीडियो हैं हमारे, और इस कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद हमारे जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, हम लोग बहुत ही डिटेल में जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हमारा जेई एडवांस लेवल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी एक सवाल ले लेते हैं जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको ठीक तरह से समझने के लिए, ओके। तो समझ लीजिए कि आपके पास एक क्यूबिकल सरफेस है इस तरह से, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ईवाई और ईजेड जीरो है, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस जो कि अल्फा इंटू रूट एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंक्रीज हो रही है एज यू इंक्रीज एक्स, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ये क्यूब के जो फेस का डिस्टेंस है, फर्स्ट फेस का डिस्टेंस वो ए है, और साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो ए। आपको निकालना है कि इस क्यूब के अक्रॉस टोटल फ्लक्स कितना है और इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज्ड इनक्लोज्ड है, ओके? तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, ऑलराइट। अब ये देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, और यहां भी ऐसा है, हर दिशा मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो कौन से सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स होगा? अगर आप ये दो सरफेस देखें, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अंदर आ रहा है, इस सरफेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है, बाकी किसी भी सरफेस से फ्लक्स कट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ दो सरफेस हैं जो कि एक सरफेस 180 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा सरफेस 0 डिग्री एंगल बना रहा है, रेस्ट नो अदर सरफेस इज हैविंग एनी फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज एवरी अदर सरफेस अदर देन दीज टू आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, ऑलराइट। तो सिर्फ हम ये दो सरफेस हैं, सरफेस वन और सरफेस टू, जिसको हम कंसिडर करेंगे, ओके। तो चलिए निकालते हैं, फ्लक्स विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस पे ई डॉट डी ए, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाता है सरफेस वन पे ई डॉट डी ए प्लस सरफेस टू पे ई डॉट डी ए, क्यों? क्योंकि बाकी जो सरफेसेस हैं उस पे ई डॉट डी ए जीरो हो रहा है, एंगल 90 डिग्री है, ऑलराइट। तो
ई डॉट डी ए लेफ्ट हैंड साइड पे कितना होगा, E तो कांस्टेंट है, लेट हैव इट एज E ओनली, फिर E इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री तो माइनस E हो जाएगा एंड इंटीग्रल ऑफ dA, और ये होगा ये सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कॉस ऑफ 0 आएगा क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और एरिया भी ऐसा है, यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और एरिया अपोजिट है। ओके आप इसको बिना नोटेशन के भी समझ सकते हैं, यहां से फ्लक्स अंदर आ रहा है तो मतलब फ्लक्स नेगेटिव होना चाहिए और यहां से फ्लक्स बाहर जा रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो डी ए कितना हो जाएगा, ई वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ई टू इंटू, ये भी इंटीग्रल डी ए जो है ए स्क्वायर है, फेस का एरिया है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट नेट कितना हो गया, ये ई टू माइनस ई वन इंटू ए स्क्वायर, राइट। और ई टू का वैल्यू कितनी है, ये पूरा का पूरा फेस जो है एट एक्स इक्वल टू टू ए पे है और ये पूरा फेस एट एक्स इक्वल टू ए पे है, राइट। तो ई टू की वैल्यू हो जाएगी जब आप इस एक्स की वैल्यू यहां डालेंगे, तो ये हो जाएगा ई टू इज अल्फा रूट टू ए माइनस ई वन इज अल्फा रूट ए इंटू ए स्क्वायर,